आपने कटक वनडे में भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की धमाकेदार वापसी तो देखी होगी। अपने 150 रनों से यूवी ने दिखा दिया कि उनमें अभी भी दम है। मैच के बाद युवराज सिंह ने एक राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि कैंसर से संघर्ष के समय उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहने के बारे में सोचा था, लेकिन कप्तान विराट कोहली के विश्वास ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके विश्वास पर खरा उतरना इस धाकड़ बल्लेबाज के लिए लाजमी था। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में करियर की सर्वश्रेष्ठ 150 रन की पारी खेलने के बाद युवराज ने कहा कि जब आपको टीम और कप्तान का भरोसा हासिल हो तो आत्मविश्वास आ ही जाता है। विराट ने मुझ पर काफी भरोसा दिखाया है और मेरे लिए यह काफी अहम है कि ड्रेसिंग रूम में लोगों को मुझ पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब मुझे लग रहा था कि मुझे खेलते रहना चाहिए या नहीं। कई लोगों ने इस सफर में मेरी मदद की। मेरा फलसफा कभी हार मानने का नहीं है। मैं कभी हार नहीं मानता। मैं मेहनत करता रहा और मुझे पता था कि समय बदलेगा। इस सत्र में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के दम पर युवराज की टीम इंडिया में वापसी हुई है, जिन्होंने अक्टूबर में वडोदरा के खिलाफ 260 रन बनाए थे। युवराज ने कहा कि मैंने घरेलू सत्र में अच्छे बल्लेबाजी की। मैं बड़ी पारी खेलना चाहता था। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में नहीं सोचता कि कौन क्या कह रहा है और ना ही अखबार पढ़ता हूँ। मैं टीवी भी नहीं देखता हूँ। मैं अपने खेल पर फोकस करने की कोशिश करता हूं ताकि यह साबित कर सकूं कि अभी भी मेरे भीतर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बचा है। युवराज को टीम इंडिया में शामिल करने पर मिली जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई थी। कुछ ने इसे पीछे की ओर कदम बताया था, लेकिन इन आलोचनाओं से इस खब्बू बल्लेबाज पर कोई असर नहीं पड़ा और कटक में शतक लगाकर यूवी ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। देखते रहिए डीबी लाइव।